मैं योगी जी के साथ काम करने में नहीं हूं, मैं इनके सरकार में मैं काम करने के लायक नहीं हूं। मुझे डोन बनाने की कोशिश किया गया इस प्रदेश में। मैं ऐसे पद पे रहना इस सरकार में अपने आप में शर्म सी महसूस करती हूं। उत्तर प्रदेश राज्य में जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, लोक भवन में आप जाइए मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर अधिकारी रखते हैं। मेरे ऑफिस में स्टाफ नहीं है, मैं क्या काम करूंगी? योगी आदित्यनाथ जी ने एक बच्ची है मैं गोद ले रखी, उस बच्ची का एडमिशन के लिए उन्होंने कहे जिन बच्ची का एडमिशन करा दो, आज तक बच्ची का एडमिशन नहीं करवा पाई मैं। इतना ब्यूरोक्रेसी हावी है, रिस्पेक्ट नहीं। कई कई इनके विधायक, कई कई मंत्री अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहे हैं। जो काम करने वाले अधिकारी वेटिंग में है इधर उधर बना रखे, और जो निकम्मे टाइप के अधिकारी उनको जिला दे दिया गया। मुख्यमंत्री जी से शिकायत करते करते थक गई, कोई असर नहीं हो रहा है, उनकी बात का कोई असर नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, लोक भवन में आप जाइए मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर अधिकारी रखते हैं। एक गरिमा होती है दर्जा प्राप्त बोर्ड की उपाध्यक्ष में किन्नर ट्रांसजेंडर बोर्ड, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बनी हुई। और हमारे विभाग में बजट आया, बजट में लाई, और बजट कहाँ चले गया पता नहीं। मेरे ऑफिस में स्टाफ नहीं है, मैं क्या काम करूँ? स्टाफ को भगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं, कुछ भी कह रहे फंसा देंगे, जेल डलवा देंगे, झूठे हमारे पे क्या फंसाएंगे, हमें क्या फंसाएंगे? हमारे न बेटा है न बेटी है, न आज तक मेरे जीवन में 151 का कोई एक मुकदमा नहीं है। मेरे डिग्री लेके आई मैं सिविल कोर्ट से, मेरे मकान में किराएदार खाली का, उसको शासन द्वारा मेरा खाली नहीं कराया गया, मुझे उलझा दिया गया। हाँ, और जो है मेरे जब से मैं इस बोर्ड में बनी हूँ तब से आज तक मैं एक दिन भी काम नहीं करी, जिलों में जाती जिलाधिकारी भाग जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बच्ची है मैं गोद ले रखी, उस बच्ची का एडमिशन के लिए उन्होंने कहे जिन बच्ची का एडमिशन करा दो, आज तक दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री का आदेश का अवहेलना किए थे अवसर से, आज तक बच्ची का एडमिशन नहीं करवा पाई। इतना ब्यूरोक्रेसी हावी है, रिस्पेक्ट नहीं। कई कई इनके विधायक, कई कई मंत्री अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहे हैं। योगी जी को जो है अधिकारियों ने यही बुलडोजर के खिलाफ मैंने बोली थी बरेली में, जो गरीबों का दीनहीन का मकान मत तोड़िए, बिल्कुल माफियाओं पे जो राज्य को नुकसान पहुंचा रहा है, समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, समाज में अवांछित काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि प्रशासन, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रशासन इतने अच्छे हैं हमारे प्रदेश के, जो बहुत इज्जत देते, बहुत सम्मान, कुछ अधिकारी जो काम करने वाले अधिकारी वेटिंग में है इधर उधर बना रखे, और जो निकम्मे टाइप के अधिकारी उनको जिला दे दिया गया, जो लूट रहे हैं, घर भर रहे हैं, इनकी जांच बैठे तो इतना ही भ्रष्टाचार में लिप्त है यहाँ के कुछ अधिकारी, जो जिला अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, समझ गए? तो मुख्यमंत्री जी से शिकायत करते करते थक गई। मुख्यमंत्री जी मानिए का कोई असर नहीं हो रहा है, उनकी बात का कोई असर नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री जी जब तक ऐसे अधिकारियों को घर नहीं बैठाएंगे, ऐसे अधिकारियों को बोरी बिस्तर नहीं बंधवा देंगे, कुछ अधिकारी तो अंदर से कुछ और हैं, और बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं, बीजेपी के नेताओं का अपमान करते हैं, बीजेपी के नेताओं को सुनवाई नहीं हो रही है। जो जमीनी कार्य है, यदि बीजेपी कार्यकर्ताओं का नहीं होगा तो किसका होगा? वही अभी बूथ पे लड़ेंगे, वही जो है वोट निकालेंगे, वही जनता में ग्राफ को आगे लेके जाएंगे बीजेपी का। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कामना करती हूँ उत्तर प्रदेश राज्य में 27 में मुख्यमंत्री हमारी बीजेपी की बने, और मैं योगी जी के साथ काम करने में नहीं हूँ, मैं इनके सरकार में मैं काम करने के लायक नहीं हूँ। मैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई हूँ, इन्होंने मुझे मेरा नाम दिए संगठन के द्वारा, माननीय सुनील बंसल जी ने दिए थे, तो मैं इसीलिए जब हमारे बोर्ड में बजट लेके आई, किस तरह से मैं लड़ झगड़ के, मैं मुझे डोन बनाने की कोशिश किया गया इस प्रदेश में, और बजट लेके आई, और बजट
बिना बोर्ड के, बिना हमारे राय के कहाँ कहाँ चले गया पता नहीं। अपने आप जो पदेन अध्यक्ष किन्नर अध्यक्ष माननीय अरुण नसीम जी और हमारे विभाग के लोगों ने जो बजट है इधर उधर कर दिया, सारा बजट इधर उधर कर दिया। हमारा मकान का ही जो विधायक निवास है इसका पैसा नहीं दिए हैं, 2 साल का पैसा मेरे ऊपर दे दिए। हाँ, मकान जब 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 इसका पैसा ही भुगतान सरकार नहीं करेगी, दिए हैं सरकार ने और किराया मैं भरूं, और पुराना हमको 10 लाख रुपया किराया और पुराने जो दिए थे अखिलेश जी ने उसका भी किराया हम पे जोड़ दिए 12 लाख 13 लाख राज संपत्ति विभाग ने। मेरे अभी स्टाफ देके सब भगा दिए गए। हाँ, झूठे सच्चे में कह रहे हैं आपको मुकदमा डाल देंगे, चुपचाप बैठ जाइए, चुपचाप। अब सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए मैं थोड़ी बनी हूँ, मैं तो जनता जिस जगह जाती हूँ तो जब जनता की मैं सेवा नहीं कर सकती, जनता की मैं आवाज़ को शासन प्रशासन पहुँचाती हूँ, जब कार्य नहीं हो सकता उनका मौलिक, बताइए। मैंने ऑपरेशन के लिए डिमांड की, मेरे जिले के 2-3 लोग हैं उनका, किसी का किडनी का, किसी का हार्ट का ऑपरेशन के लिए मैंने फाइल लेके आई, आज तक उनका पैसा नहीं मिला। तो जब नहीं ऐसे काम होंगे सामाजिक कार्य तो मैं ऐसे पद पे रहना इस सरकार में अपने आप में शर्म सी महसूस करती हूँ। मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मिलने गई तो जो है मिलने का वक्त जो थोड़ा समय निकल गई, कुछ उनका काम हो गया, उठ गई थी चेयर से, फिर कोशिश करूँगी। और मैं उत्तर प्रदेश बीजेपी की संगठन में काम करना चाहती हूँ, सरकार में काम नहीं करना चाहती हूँ। संगठन सर्वोपरि है, संगठन से सरकार है, ना कि सरकार संगठन से बड़ा है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता, इसमें सरकार बनना निश्चित।